अगर आप IVF करा रहे हैं और आपको बताया गया है कि आपको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराना चाहिए, तो शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मेरे लिए फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़्यादा अच्छा है या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है उसका ये मतलब है कि जिस दिन आपके अंडे निकाले जाते हैं और उसके भ्रूण बनाए जाते हैं, उनके 3 या 5 दिन के बाद आपकी बच्चेदानी में भ्रूण को डाला जाता है। और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब है कि आपके अंडों को निकालने के बाद या अंडे या आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के उसका जो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण को हम फ्रीज करके उसके बाद वो बच्चेदानी में हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहा जाता है। बहुत सालों तक हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया करते थे, बट अभी करीब लास्ट 7-8 सालों से फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का चलन हो चुका है। इसका मतलब कि हमारे 90% से ज़्यादा केसेस फ्रोजन ट्रांसफ़र होते हैं। तो इतना बड़ा शिफ्ट क्यों आया है IVF की फील्ड में? वो इसीलिए आया है कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के साथ औरत को कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। इसका मतलब कि पेट में पानी किसी के भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर सकता है, आगे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसीलिए IVF को ज़्यादा सेफ बनाने के लिए आजकल फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का चलन है। और कई स्टडीज़ ने ये भी दिखाया है कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो बच्चे का वज़न होता है, जिसे हम बर्थ वेट बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब बच्चों को स्पेशल केयर NICU की ज़रूरत कम पड़ती है। प्रेगनेंसी में भी देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशंस जैसे ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में काफ़ी कम पाया गया है। तो दुनिया भर में, चाहे यूरोपियन डेटा हो या अमेरिकन CDC डेटा हो या इंडिया का डेटा आप देखें, सारी जगह फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। आपके केस में क्या बेस्ट रहेगा, आपको हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है या आप किसी भी टॉपिक पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइए। वहाँ एक फॉर्म है, उसे आप भरिए और हमें भेजिए, एंड हम ज़रूर आपको रिवर्ट करेंगे। और भी अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।